और अब बात करते हैं अमेठी की, जहां दशकों तक कांग्रेस की किलेबंदी का कोई मुकाबला नहीं रहा, लेकिन बदलते दौर के साथ यहां बहुत कुछ बदल गया है। यहां आज राहुल प्रियंका ने आखिरी दांव चला। अमेठी की जनता एक बार फिर बताएगी कि कांग्रेस को लेकर उनकी सोच अब क्या है, क्योंकि 2019 में यहीं से राहुल गांधी चुनाव हार गए। अमेठी यानी कांग्रेस का वो किला जिसे भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह ढाह दिया, और इसकी झलक 2017 में ही नजर आ गई थी, जब यहां की चार सीटों में से तीन पर जीत का कमल खिल गया था, जबकि गौरीगंज सीट सपा के राकेश प्रताप सिंह ने जीत ली थी। अब लड़ाई नई है और रणनीति भी नई बन रही है। कांग्रेस एक बार फिर अपने गढ़ में वापसी को बेताब है। राहुल और प्रियंका ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खूब जोर लगाया। चुनाव घोषित होने के बाद राहुल पहली बार यूपी के रण में दिखे और उन्होंने जगह भी अमेठी ही चुनी। जनता की समस्याएं जनता अच्छी तरह से जानती है, हमसे अच्छी तरह से उन समस्याओं से जूझ रही है ना। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, छुट्टा जानवर खेत खाए जा रहा है, किसान कमा नहीं पा रहे हैं, छोटे दुकानदार नहीं कमा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब 5 साल हो गए, सरकार ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस की अपनी तैयारी है और सपा भाजपा की अपनी। अमेठी की सदर सीट पर भाजपा ने इस बार गरिमा सिंह की जगह संजय सिंह को उतारा है, तो अखिलेश ने गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को। गायत्री प्रजापति 2012 में इसी सीट से जीते थे और 2017 में इसी सीट पर उन्हें हार ही मिली। जनता ने देखा है हमको भी कई सालों से, 30-40 साल से हमने जनता को देखा है और जनता हमारी सेवाओं को अच्छी तरह से जानती है। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था अमेठी, लेकिन आज हालात बदले हुए दिखते हैं। यही आप लोग गलत बोल रहे हैं कि गढ़ कभी कांग्रेस का नहीं था, ये गढ़ अमेठी का, हम लोगों का, जनता का था, और यही गढ़ होने की वजह से गांधी यहाँ आए थे। अब लगातार जनता के बीच में है, पुराना काहे का भूल जाएंगे। इतना काम किए हमारे पति, नाली खरिंजा हर एक चीज़ हम जानते ही, कॉलोनी लोहिया आवास सब चीज़ करे हैं, कम्बल सब चीज़ हमारे पति जी करे हैं, उन्हीं के काम के लिए हम आगे बढ़ाएंगे।